मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों नमस्कार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना महामारी को परास्त करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। एक तरफ जहां पॉजिटिव केस आने की संख्या निरंतर नियंत्रित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ होने वाले मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार आप सबके सहयोग के कारण, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ हमने ये लड़ाई लड़ी है। आज मध्यप्रदेश की स्थिति यह है कि हमारी रिकवरी रेट, मतलब पॉजिटिव जो हमारे साथी हैं उनके स्वस्थ होने की दर 76.9% तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की ग्रोथ रेट 1.44% रह गई है, जो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी कम है। मध्य प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर केवल 3.85% बची है और केस डबल होने की जो दर है वो 48 दिन हो गई है। सर्वाधिक प्रकरणों की दृष्टि से भी हम देखें तो अन्य राज्यों के मुकाबले हम 9वें नंबर पर हैं और एक्टिव केसेस की दृष्टि से देखें तो आज हम अन्य राज्यों के मुकाबले देश में 13वें नंबर पर हैं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, अभी हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, अभी हम केवल एक पड़ाव पर आए हैं कोरोना को पूरी तरह से परास्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए। हम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। कोरोना को पूरी तरह से मध्य प्रदेश की धरती से भगाना है और इस अभियान के अंतर्गत घर घर हर द्वार डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें कोरोना के साथ अन्य रोगों से संबंधित परीक्षण भी किए जाएंगे। हमें प्रदेश के हर नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 15 दिन में लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्ट की संख्या, जिसके लिए हम सैंपल लेंगे, 15 से लेकर 20 हजार होगी। वर्तमान में हमारी प्रति 10 लाख टेस्टिंग लगभग 4 हजार है, जो 15 दिन में बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे दल डोर टू डोर सर्वे का काम करेंगे। उन्हें सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये दल कोरोना की दृष्टि से हाई रिस्क मरीजों के स्वास्थ्य के परीक्षण के अलावा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आंतशोथ आदि के संबंध में भी स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। चिन्हित किए गए व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाएगी। प्रदेश के औसत से अधिक पॉजिटिविटी वाले 13 जिलों में सघन सैंपलिंग की जाएगी। अभियान का उद्देश्य कोरोना के एक एक मरीज की पहचान कर उनका इलाज किया जाना, जिससे प्रदेश को कोरोना के संक्रमण से हम पूरी तरह से मुक्त कर सकें। मेरी आप सभी बहनों और भाइयों से अपील है कि आपके सहयोग के बिना ये महाअभियान पूरा नहीं होगा, इसलिए आइए इस अभियान में सहयोग कीजिए। और याद रखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा है, सावधानी में ही सुरक्षा है। 2 गज की दूरी आपस में जरूर बनाए रखें, अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क जरूर लगाएं और बार बार अपने हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर से साफ करते रहें। आइए
किल कोरोना अभियान के अंतर्गत हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाए ताकि कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से हम जड़ से उखाड़ के फेंक सकें। धन्यवाद।